पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है, लेकिन इसी बीच शहर के पूर्व महापौर और लोकप्रिय नेता संदीप जोशी का नाम चर्चा में है। शनिवार को उनके समर्थन में बड़ी संख्या में उनके आवास पर पहुंचे और जोर देकर कहा कि संदीप जोशी ही इस सीट से उम्मीदवार बने। अरे आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी कोरोना में गुजर गए, उसके बाद में अगर हमारे लिए किसी ने किया हमारे परिवार के लिए तो हमारे संदीप जोशी ने किया। किसी नेता ने नहीं पूछा, संदीप ने पूछा सागर तू कैसा है, तेरे घर का कैसा चल रहा है। संदीप जोशी समर्थकों का कहना है कि शहर में उनकी लोकप्रियता और मेहनत को देखते हुए वही पश्चिम नागपुर से पार्टी का चेहरा बनना चाहिए। इस दौरान कई कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में भावुक उठे। हमें बाहर का या कहीं का भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ संदीप भाई होना। संदीप भाई इसलिए होना, गत 3 साल से इस पश्चिम नागपुर की जनता के लिए जो संदीप भाई कर रहे हैं, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए जो संदीप भाई कर रहे हैं। अरे आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी कोरोना में गुजर गए, उसके बाद भी अगर हमारे लिए किसी ने किया हमारे परिवार के लिए तो हमारे संदीप भाई जोशी ने किया। किसी नेता ने नहीं पूछा, संदीप भाई ने पूछा सागर तू कैसा है, तेरे घर का कैसा चल रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति जब हमारी बात रखता है तो हम क्यों नहीं हमारे पक्ष श्रेष्ठी को बोले कि हमारे नेता को टिकट दो, और हमारे नेता को टिकट देना ही चाहिए। जात पात देखकर अगर देखा होता तो हमारे जैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया होता, अपने जाति के ही तरफ ध्यान दिया होता। और क्यों जात पात लाते हो, हमें जात पात वगैरह नहीं होना, ऐसे ठाकरे वाकरे हम देख लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे नेता को चुना के लाएंगे। यदि मौका नहीं दिया पार्टी ने तो, यदि मौका नहीं दिया तो हम तुमको बता रहे सामूहिक रीति से राजीनामा भी देने तैयार है, पर हमारी आखिरी और आखिरी अंतिम घड़ी जाएगी, संदीप भाई जो बोलेंगे वही करेंगे। आणि शेवट येणारी आगामी निवडणूक जी विधानसभा आपण बघतोय, हे जे कार्यकर्त्यांचा जल्लोष बघतोय, इथे 80 वयापासून ते 18 वर्षा वयापासून सर्व उपस्थित असल्यामुळे आपल्याला सर्वांना एकच बोलणं आहे आमचं, पश्चिमची विधानसभा एवढी हायटेक होणार आहे याची कल्पना पक्षश्रेष्ठाला असून पण इथे संदीप दादाच हवा ही सर्वांची भावना आहे, आणि त्यांनी केलेल्या कामाची पाच कवती म्हणून पश्चिम नागपूरची दिलेल्या कामाची यादी ही त्यांच्या सोबत असते, म्हणून हे सर्व कार्यकर्ते जिथे गोळा आहे दिलेल्या कामाची यादी त्यांच्यासोबत असते। त्याच्यामध्ये विजयाचा बिगुल हा पश्चिम नागपुरात संदीप दादाच वाजवणार, एवढ्या निष्ठेने कार्यकर्ते एक समर्थक ने कहा कि संदीप जोशी ने छोटे कार्यकर्ताओं से शुरुआत कर नागपुर के महापौर बनने तक का सफर तय किया है, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो नागपुर का पश्चिम इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ बन सकता है। बाहर का व्यक्ति नहीं पाहिजे, वो आमच्यासाठी लड़त है 24 तास, ते 2.5 वर्ष काय म्हणतात आम्हाला नाही माहित पाहिजे। युवापासून ते आतापर्यंत जे झटत आहेत सगळ्यांसाठी, ना ते जात पात आहेत, ना महिला पात आहेत, ना पुरुष पात आहेत, ना लेकर पात आहेत, सर्वांसाठी ते कार्य करत आहेत। अशा व्यक्तीला जर तुम्ही तिकीट नाही देत आहे, आम्ही वरच्या कार्यकर्त्यांना सांगत आहे आजच्या आज तुमचा निर्णय घ्या, संदीप भाऊला तिकीट द्या, नाही तर सर्व कार्यकर्ता सामूहिकरित्या आम्ही राजीनामा देऊ, आणि जोपर्यंत तिकीटचं डिक्लेरेशन नाही होत संदीप जोशी सरांविषयी तोपर्यंत आम्ही आमचं काम धाम ऑफिस सोडून आम्ही इथेच बसू आज। संदीप जोशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं हमेशा से पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूं। यदि पार्टी मौका देती है और कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है तो मैं चुनावी मैदान में जरूर उतरूंगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता से बूथ प्रमुख का कार्यकर्ता से आज शहर का सर्वोच्च नागरिक प्रथम नागरिक करके महापौर करके ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पक्ष का कार्यकर्ता हूँ, जैसे ये कार्यकर्ता सब भी पक्ष के कार्यकर्ता है वैसे ही मैं पक्ष का कार्यकर्ता हूँ। हाथ में कमल का फूल लेके हमने अनेकों से दुश्मनी की है, संघर्ष किया है, वैसे ही ये कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। आज संघर्ष ये कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे कांग्रेस के साथ में, अब उनकी भावना है, उनका आक्रोश है, उनको लगता है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर नहीं की है।
और पार्टी ने डिक्लेयर नहीं की है तो वेट एंड वॉच की भूमिका हमने सबने लेनी चाहिए। जब पार्टी डिक्लेयर करेगी तो उसके बाद में सोचेंगे। संदीप जोशी मैदान में दिखेंगे। पार्टी ने अगर सोचा और कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से इच्छा है, संदीप जोशी दिखेंगे पूरी ताकत। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस बार किससे टिकट देती है और क्या जोशी की समर्थकों की यह मांग पूरी होती है क्या। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।